दोस्तों चलो आज खूबसूरत एक छोटा सा देश बहरीन का सफ़र करते हैं। कतर और सऊदी अरब के बीच एक खाड़ी में स्थित बहरीन 33वां द्वीपों का एक द्वीप समूह देश है। दोस्तों बहरीन शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा द्वीप जो चारों ओर दो समुद्र से घिरा हो। बहरीन अरब देशों में सबसे छोटा देश है और सऊदी के साथ जोड़ने वाला एक 26 किलोमीटर लंबा सा ब्रिज है जिसका नाम है राजा फतवा कजबे। इस पुल को 1982 में बनाया गया था और इसके निर्माण के लिए 1.2 अरब अमेरिकन डॉलर खर्च किए गए थे। बहरीन अरब देश में सर्वप्रथम तेल की खोज करने वाला देश है। इसने 1932 में तेल के भंडार की खोज की थी। बहरीन देश की करेंसी दिनार है। एक दिनार 2.6 अमेरिकन डॉलर के बराबर होता है। बहरीन का आधिकारिक धर्म इस्लाम है और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा अरबी है। दोस्तों बहरीन के आकार की अगर बात करें तो ये 50 किलोमीटर लंबा और 16 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों बहरीन में एक प्रसिद्ध मॉस्कोट ब्रिक्स है जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जो कि 400 बरस पुराना है और बहरीन के रेगिस्तान में अकेला ही ब्रिक्स है। इस ब्रिक्स का जल सोर्स ज्ञात नहीं है, इसी वजह से ये पर्यटकों की बड़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों बहरीन सबसे ज़्यादा गर्म देशी के सूची में आता है। यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर आर्द्रता कम हो तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। दोस्तों द किंगडम ऑफ बहरीन को अरबी में ममलिकत अल बहरीन के नाम से जाना जाता है। सन 1782 में बहरीन पर पारसिया साल खलीफा के परिवार ने कब्जा कर लिया था। कतत बहरीन या बहरीन किला को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों बहरीन अरब दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहरीन की राजधानी मनामा से 3 घंटे की दूरी पर ग्रीनविच मीन टाइम है। दोस्तों 2002 के चुनाव में पहली बार बहरीन में महिलाओं ने मतदान किए और राष्ट्रीय चुनावों में खड़े होने का राजनीतिक अधिकार भी पाया। बहरीन सिया बहुमत वाले केवल 3 देशों में से एक है। दूसरा 2 देश इराक और ईरान है। दोस्तों बहरीन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद ईरान ने अपना दावा द्वीप पर रखा था, लेकिन ईरान का ये दावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा रद्द कर दिया गया था। बहरीन में ज़्यादातर संख्या सिया मुसलमान की ही है, लेकिन इस देश पर सुन्नी मुसलमानों का ही राज चलता है। दोस्तों एक समय बहरीन ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा फहराया था जो कि 555 फीट ऊंचा था। हालांकि बाद में रिकॉर्ड इजराइल ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा फहराकर तोड़ दिया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, बहरीन के पूरे समुद्री तट रेखा में केवल बहरीन का 5% तट रेखा ही है जो कि जनता के लिए खुला है। बाकी की तटरेखा पिछले 20 सालों से सत्तारूढ़ परिवारों द्वारा कब्जा किया गया है। मानो ऐसा लगता है कि जो लोग पैसा कमाते हैं या ज़्यादा अमीर होते हैं वो बहरीन में समुद्र तट का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समुद्र तट को अमीर लोगों ने खरीद लिया है। दोस्तों ज़्यादातर बहरीन को सऊदी का बेगास कहा जाता है, क्योंकि सऊदी के लोग काजबे ब्रिज को पार करके बहरीन में जाकर पार्टी करते हैं। दोस्तों बहरीन में एक पुरुष डॉक्टर कानूनी रूप से एक महिला का सेक्स ऑर्गन का जांच कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर सीधे तौर पर परीक्षण नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे एक दर्पण की आवश्यकता होती है और वो उस दर्पण के प्रतिबिंब से ही परीक्षण करता है। दोस्तों आप बहरीन में ऊँट का बर्गर खा सकते हो। अफवाह है कि बहरीन में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है। ये जानकर शायद आपको असंभव लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप बहरीन में खाना खाना चाहते हो तो आपको किसी बहरीन निवासी के घर जाना होगा। आज का सफ़र यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। धन्यवाद।